मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक की जानिब से दिल्ली में मुसलमानों की हिफाजत करने वाले हिंदुओं और सिखों का शुक्रिया अदा किया गया है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने अपने हालिया प्रेस रिलीज में कहा कि मैं फिरका वाराना फसादात के दौरान बतौर मुसलमान अपने हिंदू और सिख भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नाजरीन, वीडियो मुकम्मल देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक टाइमली पहुँचते रहें। जिन्होंने फिरका वाराना फसादात के दौरान अपनी जान को खतरात में डालते हुए दिल्ली में मजलूम मुसलमानों का दिफा किया। मुसलमानों में आज तक हमने यही देखा, झगड़ा भी हुआ है, शादी में ब्याह में सब एक साथ हम लोग रहे हैं। हिंदू अक्सरीती इलाकों में बहुत से हिंदू मर्दों और औरतों ने इंतहा पसंद हिंदुओं से मुसलमानों को बचाने के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला। इस तरह के 100 से ज्यादा वाकयात देखने में आए हैं। इनमें से कुछ अपने मुसलमान पड़ोसियों को इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले से बचाते हुए अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। ऐसे लोगों के एहसानात जुरतमंदी के तौर पर याद रखे जाएंगे कि उन्होंने उस वक्त हिम्मत दिखाई जब वहाँ इंतहा पसंद हिंदुओं से लड़े बगैर मुसलमानों को बचाना मुमकिन ना था। हमने मिलके मुकाबला किया, सारों ने जितने भी है सब मिलके, किसी बाहर के आने वाले को नहीं आने दिया वहाँ पर। हमने इनकी रक्षा करी, हिफाजत करी कि यहाँ हमारे बदनामी होगी। बाहर के लोग आ रहे थे यहाँ हमला करने के लिए, हमने सबने मिलके रोका उसे। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि हमारी मुसलमान कौम इनकी कुर्बानियों के लिए मकरूज रहेगी और अगरचे इनकी मौत से हमें तकलीफ हुई है लेकिन उन्होंने हमें मुसर्रत की वजह भी दी है। डॉक्टर जाकिर नायक ने मजीद कहा कि इसी दौरान जैसे जैसे तशद्दुद में इजाफा हुआ, मुसलमानों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अपने हिंदू पड़ोसियों को बचाने के लिए अपने घरों में पनाह दी। जैसे ही लोगों ने मुसलमानों के घरों को नजरियातिश करने वाले हिंदुओं को पकड़ा तो मुसलमानों ने इंतहा पसंद हिंदुओं को भी महफूज करने के सिलसिले में फराख दिली का मुजाहरा किया और इंतहा पसंद हिंदुओं की जानें भी बचाईं। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि यही हिंदुस्तान के असल शहरी हैं और ऐसे लोगों के अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर हमें भी फख्र है। ये असल में हकीकी हिंदू, सिख और मुसलमान हैं जो अपने अकायद और अपने सहीफों की हदायत पर कायम हैं, क्योंकि कोई भी मजहब दूसरे अकायद के बेगुनाह लोगों के कत्ल की हमायत नहीं करता। यहाँ पहुँचकर डॉक्टर जाकिर नायक सूरह माईदा की आयत नंबर 32 में दिया गया अल्लाह ताला का फरमान कोट करते हुए कहते हैं कि जिस किसी ने किसी शख्स को बगैर कसास के या जमीन में बगैर फसाद के कत्ल किया तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर डाला, और जिसने इसे नाहक मरने से बचाकर जिंदा रखा तो गोया उसने तमाम लोगों को जिंदा रखा। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि अगर बीजेपी हुकूमत का मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन ताल्लुकात को खत्म करना था तो वो हैरत अंगेज तौर पर नाकाम रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बड़ी तादाद में बेगुनाह लोगों को खौफनाक तशद्दुद के लिए उकसाने में कामयाब हो गई है, जिसके लिए अक्सर हिंदू इंतहा पसंद दिल्ली के बाहर से लाए गए थे। इस वाकये ने तमाम मजहब के इंसाफ पसंद लोगों को अमन के लिए मुत्तहिद किया है और ऐसी हमदर्दाना मिसालों के वाकयात से दिल भर आता है। डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के वाकयात ऐसे वक्त में रूनुमा हो रहे हैं कि जब बदअमनी के नतीजे में हमारी कौम को शदीद खतरा लाहक है। और वाकई हमारे मुल्क को इत्तेफाक और इत्तेहाद की खूबियों की सख्त जरूरत है।